आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे शेयर बाजार कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज ज्योतिष के आधार पर, एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और आज आपका राशिफल क्या कहता है कि आज वो कौन सी राशियाँ होंगी जो लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगी, किन राशियों के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और किन राशियों को किस समय कारोबार करना चाहिए और किस समय बचना चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से ट्रेडिंग कैसे देखने को मिल सकती है, शेयर बाज़ार कम्युनिटी बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है। कम्युनिटी बाज़ार में हम देख रहे हैं कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल देखने को मिली है। पहले ओमिक्रॉन आया था, उसकी वजह से इम्पैक्ट बना था कि सेंटीमेंट, मार्केट सेंटीमेंट ऐसा बन गया था कि शेयर बाज़ार और कम्युनिटी बाज़ार ठप पड़ जाएगा पहले की तरह, जैसे कि हमने पिछले सालों तक देखा था लॉकडाउन के अंदर। लेकिन फिर अब देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है इतना देखने को नहीं मिला है, ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट इतना देखने को नहीं मिला है, चाहे देश की बात करें या विदेश की, सभी जगह ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट अभी नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ देशों ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया है कि स्थिति को पहले से ही संभाला जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूँ अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में पहले से ही अब वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, केसेस ओमिक्रॉन के वहाँ भी देखने को मिले हैं, लेकिन इम्पैक्ट इतना देखने को नहीं मिला है जितना पहले डेल्टा वेरियंट का देखने को मिला था। तो अभी ओमिक्रॉन पे डिपेंड करेगा ज़्यादातर कि शेयर बाज़ार और कम्युनिटी बाज़ार आगे कैसे ट्रेड करते नज़र आ सकते हैं। वहीं से बात करें शेयर बाज़ार की, तो शेयर बाज़ार में हमने साल 2021 के अंदर नए हाइज भी लगते देखे थे फरवरी के दौरान, जनवरी फरवरी में हमने हाइज भी लगते देखे थे। उसके बाद से हमने फिर से देखा था कि अभी रिसेंट हाइज सेप्टेम्बर अक्टूबर की तरफ बनते नज़र आए थे, तब भी हमने शेयर बाज़ार में काफ़ी अच्छा उछाल देखा था। और अभी देख रहे हैं कि जो शेयर बाज़ार है वो भी आज थोड़ा उथल पुथल करता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आगे जाके कम्युनिटी बाज़ार, शेयर बाज़ार, राशिफल कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के संयुक्त प्रयास शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 13 दिसंबर सन 2021 सोमवार, आज के इस एपिसोड में हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, शेयर बाजार कम्युनिटी बाजार का विश्लेषण, नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर होने वाली हलचल और एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावना बनेगी, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, याद रखिएगा कृषि जीन्स हो या फिर शेयर बाजार, आपका मुनाफा सर्वोपरि है। बाजार ऊपर या नीचे होते हैं लेकिन क्या आप मुनाफा कमाएंगे, ये इस पे अहम सवाल होता है जिसका उत्तर सिर्फ राशियां दे सकती हैं। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। सबसे पहले अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु 1, 5, 9। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान की तरफ अग्रसर कर सकती है, सावधानी पूर्वक ट्रेड करें, सितारे संभवतः आपके लिए मुफीद ना रहें, विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में रखनी है आपको अधिक सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां है, दीर्घ गंभीर राशियां हैं, दीर्घ गंभीर व्यक्तित्व होते हैं, हर चीज सोच समझ कर देखभाल कर करने में इनकी महारत होती है, मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रहे हैं, एक कदम आगे एक कदम पीछे, असमंजस की स्थिति रह सकती है, आप अपने लिए गए निर्णयों के अंदर छोटी अवधि के अंदर काम करें तो बेहतर रह सकता है, विशेषकर 1 से 2 घंटे के बीच में रखिए अधिक सावधानी। 7 और 11 यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यह है वायु तत्व की राशियां, तेजी इनका स्वभाव होता है लेकिन तेजी के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना, बुद्धि और चातुर्य का इस्तेमाल करना इन राशियों की विशेष महारत होती है, आज दिन आपके लिए शुभ रह सकता है, बुद्धि और चातुर्य से आप खेल आपका बन सकता है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में संभवतः खतरे का सिग्नल होगा, वहां पर आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, वहां पर संभल कर बैटिंग करनी है।
यानी खेल यदि खेल रहे हैं तो आपको कई बार आपको सर्वाधिक सावधानी पूर्वक विशेष बॉलर को खेलना होता है ताकि बाकी आप आराम से खेल पाए। चार आठ बारह ये है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, बिल्कुल मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं, सावधानी पूर्वक ट्रेड करें बहुत बेहतर रह सकता है, उसमें विशेष ख्याल रखें। लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका राशिफल। अब कृषि जींसों के अंदर क्या संभावना बनेगी, अखिलेश राठी जी। जी तो ये तो हमने जाना है कि कन्नर जी से कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, किन राशियों का किस समय सावधानी बरतनी है, किस समय ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और किन राशियों में आज मुनाफा कमाने की स्थिति बन सकती है। कन्नर जी यहीं से बात करें अगर कृषि जींसों की, तो कृषि जींसों में आज हमने एक बार फिर से देखा है कि ग्वारगम और ग्वार सीड, बीते कारोबारी सप्ताह तो तेजी उन्होंने दिखाई थी, वहीं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर तेजी बनती नजर आ रही है। आपका क्या कहना है और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज ग्वारगम ग्वार सीड का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? ग्वार सीड और ग्वारगम के अंदर देखिए विशेष हलचल बन रही है, इसके फंडामेंटल, इसके अंदर स्पेकुलेटिव की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और यदि हम बाजारों की तरफ नजर करें तो इसके अंदर हाजिर के अंदर माल बहुत अच्छा उपलब्ध नहीं बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट की के ऑर्डर की जहां तक बात करते हैं वहां पे विशेष सूत्रों से पता चला कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि दैनिक प्रतिदिन के अंदर आप यदि हम देखें तो आज ग्वार सीड और ग्वारगम के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। आज मंडलिये यहाँ शांत रह सकते हैं, तेजड़ियों की बात आज सुनी जा सकती है ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर, ग्वार सीड या ग्वारगम के अंदर इसमें तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिलेश जी। जी तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि आज ग्वारगम और ग्वार सीड की कीमतों में तेजी की संभावना है, तेजी बनती नजर आ सकती है। आज ग्वारगम ग्वार सीड की कीमतों में जो मौजूदा दरें देखने को मिल रही हैं वायदा बाजार के अंदर, बाजार वहां से अभी और उठता नजर आ सकता है। कर्नल अजय जी, ग्वारगम और ग्वार सीड के साथ साथ हमने मसालों में भी काफी अच्छी तेजी बनती देखी और देख रहे हैं कि लगातार 2-2.5 हफ्ते से मसाले अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है मसालों में आगे कैसा रुझान रहेगा और जैसे कि अब सर्दियां आ गई हैं, शादी सीजन है, तो किन किन मसालों की मांग ज्यादा रहेगी जिससे कीमतों में उछाल रहेगा? देखिए मसाला पैक के अंदर संभवतः मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर और दूसरे विभिन्न टीवी चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के अंदर हमने तेजी की सबसे पहले आपसे बात कही थी, चाहे वो काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो या धनिया हो, जीरा हो। और गौरतलब है कि फंडामेंटल के आधार पर भी देखें तो जीरा और धनिया के अंदर आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं और इसके अंदर पाइपलाइन में पोजीशन टाइट है और आगे त्योहारी सीजन, त्योहारी मीन मैरिज सीजन के हिसाब से भी देखें वैसे तो अब कुछ समय के बाद मल लग जाएंगे, जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा तो मल का महीना चालू हो जाएगा। गौरतलब है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर जब भी सूर्य धनु देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो वो धनु यानी मीन धनु राशि एवं मीन राशि में तो वहां पे मल मंथ माने जाते हैं और इसके अंदर कुछ गतिविधियां रुक के थोड़ी सी ठहर जाती हैं। कुल मिला के मसाला पैक के अंदर मैं ये कहने की विश्लेषण कर सकता हूं और जहां तक मुझे नजर आ रहा है मुझे लगता है कि सन 2022 क्योंकि अब बिल्कुल 2021 समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, सन 2022 बिल्कुल आगमन के इंतजार में है, बिल्कुल ही हम उसका स्वागत करेंगे और एक विशेष शो भी हम मार्केट टाइम्स के दर्शकों के लिए लेके आएंगे कि सन 2022 के अंदर क्या सौगातें होंगी। तो उस वजह से आपको याद होगा कि हमने दिवाली के ऊपर भी और नए साल के ऊपर भी हमेशा मार्केट टाइम्स के दर्शकों को हमेशा से सौगातें दी हैं और जो अक्सर सत्य भी साबित हुई हैं कि चाहे वो कॉटन हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे प्याज हो या साउथ वेस्ट मानसून हो या एग्रो कमोडिटीज के अलावा जो नॉन एग्रो कमोडिटीज हैं और शेयर बाजार है, तो उम्मीद है दर्शकों ने इसको बहुत पसंद भी किया है और मैं
राखले राठी जी के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि उनके जो हमारे जो सोयाबीन के ऊपर और कपास के ऊपर, गवार सीड के ऊपर जो शो है एक्सक्लूसिव शो, उन्होंने दर्शकों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है। और इतना सम्मान और प्यार पाकर कोई भी विशेषज्ञ निश्चित रूप से अभिभूत हो सकता है। और हमारे जो साथी कमेंटेटर हैं अखिलेश जी राठी, उनका भी मैं साधुवाद कहना चाहता हूं, उनको भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो बहुत मजबूती से किसानों का और व्यापारियों का पक्ष रखते हैं, और ये अक्सर सत्य भी साबित होता है। तो कुल मिला के मसाला पैक के अंदर आज मैं तेजी में मेरा नजरिया है, चाहे वो हल्दी है उस करेक्शन धनिया है या फिर जीरा, इसके अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर भी आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, इसके अंदर भी तेजी का रुख रह सकता है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि मसालों में उन्हें जीरा, हल्दी, धनिया में देख रहे हैं कि पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा खाली है, तो कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। कर्नल अजय जी के मुताबिक भी और ज्योतिष के मुताबिक भी धनिया की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आगे जाके भी। और जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि साल 2022 में भी मसाला पैक ठीक ठाक तेज़ी में देखने को मिलता रहेगा, उसके लिए भी कर्नल अजय जी आगे आप सबके लिए मार्केट एम्स टीवी के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे, जो कि अक्सर सत्य साबित भी होती नज़र आती है। इसी के साथ कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में हमने देखा है कि सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है, फ्लैट प्राइसेस भी देखने को मिले, ओमिक्रॉन का असर भी देखने को मिला है, और जो अमेरिकी डेटा निकल के सामने आ रहे हैं उसका असर भी रहा है। ऐसे में थोड़ी असमंजस की स्थिति है निवेशकों के लिए कि सोने में और चांदी में अब आगे क्या, यहाँ से अब निवेश करना सही रहेगा या सौदा काटना सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा? देखिए, आपको याद होगा कि थर्सडे यानी गुरुवार को बहुत तेजी से उठक पटक हुआ था और बहुत बुरी तरह से चांदी ने गिरावट दर्ज हुई थी, और शुक्रवार को यानी पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर पिछले वीक के हमने यही कहा था कि मुझे बाउंस बैक नजर आ रहा है बुलियन के अंदर, और बुलियन के अंदर अच्छी तेजी भी दर्ज हुई और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ, और उसका नतीजा आज भी आप सोमवार को देखने को मिल रहे हैं। चांदी और सोने के अंदर एक बाउंस बैक देखा जा रहा है, और जहां तक गोल्ड के अंदर देखें तो $1784 का जो स्तर है वो भी देखा जा रहा है, और चांदी के अंदर भी बढ़त के साथ अभी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी या फिर इसके अंदर कुछ आएगी गिरावट, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि जिन्होंने निचले स्तर पर माल खरीदा उनको मुनाफा वसूली आज शाम या रात तक करनी चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अक्सर ये एक ट्रेडिंग स्किल कह सकते हैं, इसको एनालिसिस से बहुत ज्यादा जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ट्रेडिंग स्किल में क्या होता है कि जब भी किसी भी बड़ी तेजी या मंदी होती है तो उसमें यदि मंदी होती है तो उसमें निवेशक माल खरीदते हैं, और यदि जब तेजी होती है तो निवेशक माल बेचते हैं, मतलब ट्रेडर्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिसे कहेंगे, और यही परिपाटी चलती रही है। जिसने तेजी में तेजी की वो हमेशा परेशान होगा, जिसने मंदी में मंदी की वो हमेशा परेशान होगा, ये गोल्डन रूल है। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर स्टॉप लॉस लगा के अपना रिस्क बेरिंग कैपेसिटी के आधार पर कितना आप रिस्क ले सकते हैं छोटी अवधि के लिए, उसके हिसाब से जब भी बड़ी मंदी होती है उस टाइम यदि माल खरीदते हैं तो उसके बाद जब वो बाउंस बैक करता है तो उसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। और इसके विपरीत यदि जब भी बाजार के अंदर तेजी चलती है और तेजी चलने के अंदर अपना नीचे स्तर पे किया हुआ माल हमेशा बेच देना चाहिए और फिर नीचे आने का इंतजार करना चाहिए, तो ये लुका छुपी का खेल, ये हाइड एंड सीक का खेल, ये सीसा का खेल, ये बाजारों का दैनिक प्रतिक्रिया होती है, दैनिक गतिविधियां होती हैं, और इसके अंदर भी के ट्रेडर चलते हैं। अब जब नीचे से बाउंस बैक किया है तो निचले स्तर पर जो जिसको हमने कहा था कि ये खरीदो तो उनको मुनाफा वसूल करना चाहिए जी। ये बुलियन के अंदर स्ट्रेटेजी रखेंगे तो आज मुनाफा आपको मिल सकता है और रिस्क क्लियरिंग कैपेसिटी आपकी खत्म हो सकती है। एक और मैं अखिलेश राठी जी आपके माध्यम से दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं कि शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार एग्रोजींस, आप अपनी क्षमता से कम काम करें। यदि आपकी क्षमता 10 लाख रुपए लगा के ट्रेड करने की है तो मेहरबानी करके 7 या 8 लाख रुपए से ज्यादा ट्रेड नहीं करें, तो आप हमेशा आपकी जीतने के चांसेस अधिक होंगे
यदि क्षमता 10 लाख की है, काम 2 करोड़ का है या 5 करोड़ का है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे कारोबारी कहीं ना कहीं ट्रैप होते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और वो सारा दोष डब्बे को, एमसीएक्स को, एनसीडीएस को, एनएससी को, बीएससी को दे देते हैं कि यहाँ पे कमाना मुश्किल नहीं, असंभव है। क्षमताओं के आधार पर किया गया काम, रिस्क एंड रिवार्ड के आधार पर किया गया निर्णय निश्चित रूप से बाजारों के अंदर आपको आगे ले जाता है। और ये चीज मैं एनएससी, बीएससी या फिर एनसीडीएस से एमसीएक्स के लिए नहीं कहता हूं, ये आप कोई भी इंडस्ट्री लगा ले, कोई भी व्यापार व्यवसाय चालू कर ले, यदि क्षमताओं से बढ़कर आपने काम किया तो निश्चित रूप से वो फिजिकल के अंदर किया गया कारोबार भी आपके लिए गले की घंटी साबित हो जाता है और फिर आपके उद्योगबंदी, तालाबंदी, बैंकों के कर्जे और वो 25 तरह की जो चीजें सामने आती है वो उन्हीं लोगों के सामने आती है जिन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया। और वो यदि वो नहीं चलता है, जिसकी 50-50% चांस होते हैं और उसके अंदर वो परेशानी में आ जाते हैं। तो मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कृपया इस चीज का विशेष ख्याल रखें। यदि आप लंबे समय तक कारोबार में रहना चाहते हैं, व्यवसाय में रहना चाहते हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करेंगे, अपनी बचत को इसमें इस्तेमाल करेंगे शेयर बाजार में लगाने में, तो निश्चित रूप से फायदा रहेगा। और लोन लेके काम करना और बहुत जल्दी अमीर बनने का लालच करना, ये ना कभी पहले संभव था ना है। 100 में से 99.99% उसमें लोग धोखा खा जाते हैं यदि ये प्रवृत्ति रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियां फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। नफा नुकसान या फिर कोई भी कारोबारी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं, इस ये विशेष ध्यान रखें। जी अखिलेश जी। जी, तो जैसा कि कर्नल जी ने बताया कि सोने चांदी में उन्होंने जब बाउंस बैक की सलाह दी थी कि सोने चांदी में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, वैसा हमने होता हुआ भी देखा। अब जिन लोगों को कर्नल जी ने बाउंस बैक की सलाह दी थी, अब कर्नल जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर उन लोगों को मुनाफा वसूली की सलाह दी जा रही है, क्योंकि निचले स्तर पर खरीदारी करके ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करना ही फायदे का सौदा साबित होता है, कि मंदी में खरीद के तेजी में ही बेच देना फायदे का सौदा साबित होता है। और वही कर्नल जी की हमेशा आप सबके लिए राय रही है। इसे कर्नल जी रुख करें अगर शेयर बाजार की ओर, तो शेयर बाजार में आपके मुताबिक और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक क्या क्या संभावनाएं हैं, किन शेयर में मंदी तेजी रहेगी और ओवरऑल शेयर बाजार कैसा रहेगा? शेयर बाजार के अंदर देखिए, आज मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स और आईटी इंडस्ट्री, जो यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंदर अच्छा मूवमेंट बन सकता है। और विशेषकर वेदांता है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स है, इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर भी नजर रख सकते हैं, उसमें भी तेजी की संभावना बन सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी तेजी नजर आ रही है और बैंक निफ्टी लगभग 380 पॉइंट तेजी दिखा रहा है और निफ्टी लगभग 80-82 पॉइंट ऊपर चल रहा है पिछले क्लोजिंग के मुताबिक। और जो स्टॉक्स हम लोगों ने पिछले शो में डिस्कस किए थे, चाहे पीडीलाइट इंडस्ट्री हो या एसबीआई बैंक हो या फिर टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वेदांता हो, आरईसी हो, या इन सभी के अंदर मूवमेंट अच्छी चल रही है। रिलायंस आज मजबूती के बरखिलाफ मंदी की तरफ अग्रसर हो रहा है, लाल अंकों में इसका ट्रेडिंग हो रहा है, ये एक चिंता की विषय है। और जो टेक्निकल और फंडामेंटल समझते हैं शेयर बाजार के लिए, उनको मैं एक आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप 3 स्टॉक पे नजर रखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक, इन तीनों के चार्ट लगा के रखिए। जैसे ही इसके अंदर फ्लैट हो या इसके अंदर लाल निशान नजर आए, वहां से बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। तो विशेष ख्याल रखें कि जो ऊपरी स्तर पर मुनाफा लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं शेयर बाजार के अंदर, उन 3 स्टॉक को पर नजर रखें। जैसे ही ये फ्लैट होते हैं और ये माइनस होते हैं, जिसकी संभावना है शायद कल या परसों हो जाए, उसी वक्त बाजारों में गिरावट नजर आनी चालू होगी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, मार्केट टाइम्स के टीवी के ऊपर हम निश्चित हर रोज कुछ नई चीज बताने का प्रयास करेंगे कि मार्केट को एनालिसिस कैसे किया जाए। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है कि जो बाजारों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझना और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर सिद्ध हो, ऐसा मेरा मानना है। और यही बाजारों के अंदर
सेंसस के अंदर ये करीबन 250 पॉइंट ऊपर है, 248 पॉइंट, निफ्टी लगभग 80 पॉइंट 82 पॉइंट ऊपर नजर आ रही है। यहाँ पर इन तीन स्टॉक पे नजर रखें, जैसे ही ये माइनस में आए, जैसे फ्लैट हो तो बाजारों के अंदर गिरावट की शुरुआत हो सकती है, इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज का दिन। फिलहाल बाजार के सितार में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।